क्या खाते हैं, चॉकलेट लावा खाते हैं ना, वाओ। उसमें जो ब्रेड होता है ना, बिल्कुल ओवन में नहीं बनाया, कुकर में बनाया। कुकर में बनाया? हाँ। तो बहुत आसान है यार बनाना। बहुत, और आटे का है, मैदा नहीं है, फिर तो और भी अच्छा है। मतलब जो लोग, जिन लोगों को हेल्थ कॉन्शियस, मैदे से प्रॉब्लम हो, ये खा सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। हेलो, नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग यम्मी चॉकलेट केक बनाना सीखेंगे। आप इसे बिना ओवन के बना सकते हैं, कुकर में बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। देखिए कुकर में भी ये केक कितना स्पंजी बना है, कितने अच्छे तरीके से बना है। यहाँ पे सबसे पहले हम कुकर को प्री हीट करेंगे, जैसे कि अवन को करते हैं। यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ कुकर में, और इसे स्लो फ्लेम पे हम लोग ढक देंगे। यहाँ पे केक बनाने के लिए अगर आप पुराना कुकर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुकर की सीटी निकाल दें और इसे बंद करके स्लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप आटा लिया है, मैदा नहीं लिया है। यहाँ पे मैंने आटे का केक बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने चॉकलेट सॉस लिया है इसमें डालने के लिए। ये आपको जितना चॉकलेट ही पसंद है उस हिसाब से आप डालिए। 1 कप दूध लिया है, 1 कप आटे के साथ 1 कप दूध लेंगे। यहाँ पे 1 चम्मच कॉफी पाउडर ले लेंगे हम लोग। यहाँ पे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है मैंने। यहाँ पे 5-6 चम्मच चीनी लेंगे। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है आप ज्यादा चीनी ले सकते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स में काजू और किशमिश डाल रही हूँ, आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा क्रंच के लिए। 1 चम्मच तेल ले लिया है। सबसे पहले हम लोग आटे को छान लेंगे एक छन्नी की हेल्प से। इससे हमारा केक बहुत ही फ्लफी बनता है। आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये केक बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ये केक घर पे बनाया है। आपको लगेगा आप मार्केट से लेके आए हैं। ये केक इतना टेस्टी बनता है खाने में। अगर आप ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको काफी कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने को मिलेंगी, और हेल्दी वे में फटाफट बनने वाली रेसिपीज मैं डालती रहती हूँ। साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं। इसमें दूध भी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे और अच्छे से ये मिक्स नहीं होगा बैटर। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर आप ये ट्राई करते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि अगर आपका केक कैसा बन के आया। आप मुझे इंस्टाग्राम पे इसकी केक की फोटो भेज सकते हैं आप जो बनाएंगे। इसमें अब मैंने तेल ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बाकी दूध भी ऐड करके। देखिए अब इसमें मैंने बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। बेकिंग पाउडर को लास्ट में डालें। इसमें अब मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। ये सारी चीजें आप तब डालिए जब आपने बैटर को अच्छे से मिला दिया हो। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिया। इस बैटर को काफी देर तक आपको फेंटना पड़ेगा ताकि एकदम फ्लफी केक बने। अब एक बर्तन ले लीजिए जो आपके कुकर में फिट बैठ रहा हो, उसमें आप तेल से चारों तरफ ग्रीस कर लें। अब इसे उस बर्तन में अच्छे से डाल दें। चलिए कुकर का ढक्कन खोलते हैं। ध्यान से खोलिएगा, बहुत ही गर्म होगा, और बहुत ही सावधानी के साथ इसमें हम लोग केक वाला टिन रख देंगे और इसका लिड लगा देंगे। हमें सीटी नहीं लगाना है। आपको कम से कम आधे घंटे बाद कुकर खोलना है। कुकर का फ्लेम मीडियम रखें
देखिए हमारा केक कितना स्पंजी बना है, देखिए एकदम फूल चुका है। इसे बड़ी सावधानी के साथ कुकर में से निकाल लीजिए। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे आप टच कीजिए और इसे एक प्लेट में इस तरह से निकाल लीजिए। देखिए आसानी से निकल गया क्योंकि हमने तेल लगाया था। तेल लगाना जरूरी है, नहीं तो ये चिपकेगा। अब इसकी सजावट आप अपने हिसाब से कर लीजिए, आपको जैसे करना है। मैंने यहाँ पे चॉकलेट सॉस डाल दिया ऊपर से और इस तरह से फोक की सहायता से इसमें डिजाइन बना दिया थोड़ा सा। आप अपने हिसाब से इसमें कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं, स्प्रिंकल्स हैं तो वो लगा सकते हैं, और क्रीम आती है उसका आप उसको मिक्स करके इसके ऊपर क्रीम का लेयर लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने बादाम लिया है, उससे मैंने इसको गार्निश किया है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये चॉकलेट केक कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैरी क्रिसमस फ्रेंड्स, चलिए हम सब फिर मिलते हैं कुछ नई रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए बाय।